please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आम्रपाली बिल्डर को भेजा सुप्रीम कोर्ट ने समन, घर खरीदारों के पैसे रिफंड करने के लिए जल्द बनाए पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आम्रपाली बिल्डर को समन भेजकर आदेश, घर खरीदारों के पैसे वापस करने के लिए जल्द बनाए पोर्टल। 17 जनवरी 2018 को आम्रपाली के सारे निर्देशकों को भी कोर्ट में पेश होना होगा। अधूरे फ्लैट्स में पैसे लगाकर फंसना नहीं चाहते खरीदार। घर खरीदारों को बिल्डर से डर लगने लगा है। जिस तरीके से बिल्डर फ्लैट्स की डिलीवरी 1-2 साल तक बढ़ा देते हैं, इससे बचने के लिए खरीदार अब पूरी तरह से रेडी टू मूव इन फ्लैट्स में ही पैसे लगा रहे हैं, जिससे नए प्रोजेक्ट्स में बिक्री कम हो रही है और पुराने प्रोजेक्ट्स में सेल बढ़ रही है। रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले बिल्डर्स की खैर नहीं। हरियाणा सरकार। हरियाणा के कुछ बिल्डर रजिस्ट्री के नाम पर एक फ्लैट की लागत का 1.5% से लेकर 1.5% तक ले लेते हैं। जैसे 1 करोड़ रुपये के फ्लैट के लिए डेवलपर खरीदार से 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का भुगतान करने के लिए कहते हैं। पुलिस ने गुड़गांव का बिल्डर पकड़ा, बिना लाइसेंस के फ्लैट बेच रहा था। 13.7 एकड़ की जमीन दिखाकर उस पर 13 टावर्स और उनमें 852 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट बताकर 1000 ट्री हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर साल 2013 से बेच रहा था फ्लैट। 2013 के एक खरीदार को इसने 2015 में कब्जे की तारीख दी थी, लेकिन जब उन्हें 2017 में भी जमीन पर एक पत्थर तक खिलौना नहीं मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से करी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा देरी से चल रहे हैं दिल्ली NCR के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। एक रियल एस्टेट फर्म की रिसर्च के अनुसार दिल्ली NCR में 6 लाख फ्लैट अपनी डिलीवरी की तारीख की देरी से चल रहे हैं। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स नोएडा, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में हैं, जो अपनी डिलीवरी की तारीख से बहुत दूर हैं। मुंबई में भी लगभग 2 लाख प्रोजेक्ट्स पर काम धीमी रफ्तार से चल रहा है।